वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ के विस्तार बुक के चैप्टर नंबर 1 द थर्ड लेवल के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। हमने आज पहला क्वेश्चन लिया है, अकॉर्डिंग टू द नरेटर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, उसमें कितने लेवल थे, कितने तल थे वर्णन करता के अनुसार, और आपको इसका आंसर जरूर ध्यान आ गया होगा, उसमें थे 3, यानी इसका आंसर आएगा सी। और आगे बढ़ते हैं, द फ्रेंड ऑफ द नरेटर whom he talked was, जिस मित्र से वर्णन करता बात करता था वो कौन था, मतलब उसका क्या व्यवसाय था। चार ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, जरूर आपको याद आया होगा, और इसका आंसर है साइकेट्रिस्ट। ये साइकेट्रिस्ट था, वो एक मनोचिकित्सक था, सी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं 3, What was the date on the newspaper which Charlie saw at the third level? तृतीय तल पर जो अखबार चार्ली ने देखा उस पर डेट क्या थी। चार ऑप्शन है और इसका सही आंसर जरूर आपको ध्यान आया होगा। आप सोचिए, एक बार आपका टेस्ट होता रहेगा इससे। इसका आंसर है ए, 11 जून 1894, इसका आपका आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं थर्ड में, फोर्थ में, How many dollars did the narrator withdraw from the bank? बैंक से कितने डॉलर्स वर्णन करता ने निकाले थे। आपके सामने चार ऑप्शन है और जरूर ध्यान आ गया होगा आपको, इसका सही आंसर है सी, 300। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5, How many dollars did Charlie's friend Sam withdraw from his account? जो चार्ली का मित्र सेम था उसने उसके अकाउंट से कितने डॉलर्स निकाले, और इसका आंसर है सेम बोट ओल्ड स्टाइल करेंसी बाय पेन। अब यहां पर जो उसका मित्र था सेम, उस सेम ने क्या किया, पुराने जमाने की जो स्टाइल की जो करेंसी थी, मुद्रा थी, वो खरीदी, कितने डॉलर्स में खरीदी। दोनों प्रश्न है लेकिन इनका आंसर सेम, इसलिए मैंने साथ इनको लिख दिया, और आपको आंसर जरूर ध्यान आ गया होगा, इसका आंसर ए, 800 में वो उसने पुरानी करेंसी खरीदी थी। द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ द नरेटर, यानी वर्णनकर्ता की पत्नी का नाम है हेलन एलिजाबेथ लुइसा हेलेना, आपको जरूर ध्यान आ गया होगा उसकी पत्नी का नाम था लुइसा, सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7, द हॉबी ऑफ द नरेटर वॉज, जो वर्णन करता है उसकी अभिरुचि क्या थी, बागवानी का काम था या फिर पुरानी करेंसी को इकट्ठा करता था, स्टाम्प कलेक्शन था, पेंटिंग था, क्या काम था उसकी, क्या अभिरुचि थी, आपको ध्यान आ गया इसमें से क्या अभिरुचि थी उसकी, उसका सही आंसर है सी, स्टाम्प कलेक्शन। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 में, What was the name of the newspaper he saw at the stack of papers? उसने जो stack of papers में जो newspaper देखा था, उसका नाम क्या था, क्या लिखा हुआ था, उसका title क्या था newspaper का, और ये चार newspaper के आपके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इसका सही आंसर है the word C। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9, What is the name of the narrator of this story? इस कहानी का वर्णन करने वाला व्यक्ति कौन है, उसका नाम क्या है, लुइसा है, सेम है, चार्ली है, जेम्स है, क्या नाम है, और इसका सही आंसर है सी, चार्ली, ये स्वयं इसका नरेटर है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से देख के जाना है, मेरे हिसाब से साथ के साथ आपको याद भी हो गए होंगे ये, इन आंसर्स को जरूर ध्यान रखें। फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएंगे। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें, और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू।